दिस बाइक सो फनी यार, हंसी आती जाते हुए देखें, कोई आवाज नहीं, ये देखें। حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سواه شربة من يداي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो बाइक हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये बाइक इलेक्ट्रिक बाइक है। कौन से वाला? जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक। जोल्टा का इलेक्ट्रिक बाइक है। और इलेक्ट्रिक बाइक कितनी देर में चार्ज होता है? ये 5 घंटे में फुल चार्ज होता है। ये 5 घंटे में फुल बाइक चार्ज हो जाता है। और ये बताइएगा ये कितनी देर तक चलता है? ये जी कितने किलोमीटर? तो कहती है कि 50-60 किलोमीटर चलती है, मगर मैंने 12 इसका तजर्बा किया तो ये 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता। अच्छा, नहीं, कंपनी कहती है कि 50-60 किलोमीटर ये बाइक जब आप फुल चार्ज कर लोगे तो चलेगा, लेकिन इनके तजर्बे के मुताबिक 40 किलोमीटर ये बाइक चलता है। और ये नहीं, इसकी जो पावर है वो उसकी क्या है, पावर है या नहीं इस बाइक की? पावर है, इसमें 3 मोड हैं, इसमें पावर के एक इकोनॉमी मोड है, ये लगे हुए हैं 3 मोड। इधर आओ ब्लास्ट, तो इसमें आप अगर इकोनॉमी मोड पे चलाते हो तो फिर तो ये चलेगा भी ज़्यादा और इसकी स्पीड कम होती है, इतना लोड नहीं लेती। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा लोड डालना है, कोई वजन डालना है, तो फिर आपको फुल मोड पे कर लें तो ये वजन भी उठाएगी और खींचेगी, पिक भी इसकी डबल हो जाएगी। अच्छा अच्छा, फिर लेकिन उस वक्त ये चार्जिंग ज़्यादा लेगी? हाँ जी, उसमें बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी। अच्छा, उसमें बैटरी ज़्यादा कंज्यूम है। अच्छा, मुझे बताया कितना अर्सा हो गया आपको ये लिए हुए? मुझे ये 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। तो ये आपने ब्रांड न्यू ली थी या यूज़ में ली थी? मैंने थोड़ी सी यूज़ ली थी, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी। तो ये नई कितने की आ रही है और आपने कितने की ली है? मैंने तो ली है 75 की, मगर अब नई जो है क्योंकि प्राइस इसकी इंक्रीज़ हुई है, पहले इसकी 85 थी इनवाइस प्राइस, और अब जो है ये 93 की हो गई है इसकी इनवाइस प्राइस। अच्छा, 93 की हो गई है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसके साथ? एक्सपीरियंस ये है, ये एज ए सेकेंड बाइक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहें कि जिस तरह आम बाइक इस्तेमाल होती है आप इसको इस्तेमाल करें तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ से बैरिया टाउन जाना है तो बैरिया टाउन यहाँ से 36 किलोमीटर है, अब ये 40 किलोमीटर चलेगी तो वहाँ अगर आपको 5 घंटे स्टे है वहाँ पर चार्जिंग लगाएंगे फिर आएँगे। हाँ, शहर के अंदर आपने जैसे छोटा मोटा इस्तेमाल करना है, इसकी किक नहीं है, गियर नहीं है, बड़ा अच्छा इसका यूजेज है, आप इसको थोड़ी चीज़ के लिए, थोड़ी जगह पर आने जाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, मगर ज़्यादा वज़न उठाने के लिए, चढ़ाइयाँ चढ़ने के लिए मौजूद बाइक नहीं है ये। और इसमें एक मज़े की बात ये है, लाए तो थोड़ा करीब आओ, ये जो इन्होंने ये टैंकी लगाई हुई है, टैंकी जो लगाई हुई है इसका कोई तुक नहीं है, सिर्फ इसको खूबसूरत बनाने के लिए की हुई है, वरना टैंकी के अंदर कोई पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं डलता। उसके अलावा ये जो क्लच लगाया हुआ है इन्होंने, ये भी वैसे ही लगाया हुआ है, ये देखें इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है। इसके अलावा देखें यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसके गियर्स वगैरह भी नहीं है, देखिए कोई गियर वगैरह नहीं है। और जब चलाओ और जब बाइक चलाओ तो क्या नाम है, बढ़िया आवाज़, बिल्कुल साउंडलेस है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती, बल्कि बड़ा मज़ा आता है। और इन सारी बातों से एक मजमू ये निकलता है कि इंसान अगर छोटे मोटे घर के काम करने हो जो घर के करीब हो, दूर ना हो, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। या अगर आपका ऑफिस ऐसा है 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, आपने जाना है बस, सिर्फ आना है वहाँ खड़ी कर देनी है, फिर आपके लिए बेहतरीन है। और इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक तो ये मोटर है इसकी, हब है, इसके अंदर मोटर है, जिस तरह पंखा चलता है ये चलती है, और इस डब्बे के अंदर 5 बैटरी हैं 20 एम्पेयर की, 100 एम्पेयर की ये 5 बैटरी हैं। अच्छा, और ये बैटरियाँ जो है इनकी लाइफ भी 3 से 4 साल है, और 3-4 साल के बाद ये बैटरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपको 25-30 हज़ार रुपये की ये भी डलवानी पड़ेगी, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, और जब आप इसको इस्तेमाल कर चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग में ये आपका 1 से 1.5 यूनिट कंज्यूम करती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, 1 यूनिट से लेकर अब आपको पता ही है 30 रुपये का 25 रुपये का यूनिट है, ठीक है, 40-45 रुपये आपके एक चार्जिंग में लग जाते हैं, एक चार्जिंग, मगर फिर भी ठीक है इकोनॉमी देखा जाए तो। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से अभी आप इसको बेचेंगे या इसको रखेंगे? मैंने तो इसको एज ए सेकेंड बाइक रखा हुआ, वैसे मैंने CD 100 रखा हुआ है लंबे दैरिया टाउन जाने के लिए या लंबे सफ़र के लिए या किसी फैमिली के साथ जाना है, या इसको लोकल इस्तेमाल के लिए मस्जिद में जाना है या कहीं और जाना है, कोई सौदा सलफ लाना है, उसके लिए बेहतरीन है, किक नहीं मारनी पड़ती, कुछ नहीं, बस आराम से गए सौदा लेके आ गए, और कोई शोर भी नहीं है, कोई शोर भी नहीं है, पुरसकून है। अच्छा, ये है जैसे आपको सारी बातें सामने आ गई, यानी अगर आपके घर में छोटे मोटे काम हो, कोई ज़रूरी दूर ना जाना हो, तो आप ये बाइक आपके लिए बेहतरीन है, ऐसे ही है। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके। अस्सलाम वालेकुम। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है।